हे गाइज, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माई चैनल इंडियन मॉम कांचन। सो गाइज, यहाँ पर PVC लग गई है और अभी दोबारा से कुछ इस तरह से लगाई है, तो पता नहीं अभी इसमें क्या चेंजेस किए हैं, तो वो तो इनको ही पता क्या चेंजेस हुए हैं। अभी तो वैसे मुझे ठीक ठाक लग रहा है, बट हवा आने के बाद ही पता चलेगा कि ये कितने दिन चलेगी। हे गाइज, गुड मॉर्निंग। अभी भी नहा के आई हूँ और मैं करने वाली हूँ अपना स्किन केयर। उससे पहले आपसे बात कर लेती, मैंने सोचा चलो आपको गुड मॉर्निंग विश कर देती हूँ। और मैं यूज़ करने वाली हूँ ये गुड वाइब्स का कुकुम्बर फेस टोनर। ये मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है और गुड वाइब्स के सारे ही जो टोनर है वो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। इसको जस्ट स्प्रे कर लेना है जब आप नहा के आते हो या जब भी आप फेस वॉश करते हो। ये भी मैं यूज़ करती रहती हूँ, मतलब इन दोनों में से कोई भी यूज़ करती रहती हूँ। गुड वाइब्स के सारे ही टोनर बहुत ज़्यादा अच्छे हैं यार। एक मेरे पास पोमोग्रेंट टोनर भी है, वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। ये भी ग्लो टोनर ही है, कुकुम्बर टोनर। समर में ये बहुत अच्छा रहता है आपकी स्किन के लिए, बहुत ज़्यादा सूदिंग इफेक्ट देता है। और उसके बाद ना मैं यूज़ करने वाली हूँ, ये थोड़ा सा एब्जॉर्ब होने देना है आपकी स्किन में, जल्दी से एब्जॉर्ब हो जाता है। आज ना सुबह सुबह ये लोग आए हैं, क्या बोलते हैं, तो वो काम करने वाले, आज कारपेंटर नहीं आए हमारे, तो कारपेंट्री का काम तो आज नहीं होगा। वो काम तो आपको दिखा नहीं पाऊंगी, बट वो शेड डालने वाले आए हैं, सुबह सुबह आए हैं, तो आपको वो काम दिखा दूंगी मैं थोड़ी देर के बाद। उसके बाद मैं यूज़ करने वाली हूँ ये विटामिन सी सीरम। किसी ने मुझे पूछा था कि पिगमेंटेशन के लिए क्या करना है, तो पिगमेंटेशन के लिए ये सीरम आप यूज़ कर सकते हो डियर। देखो ये विटामिन सी एंड B3 सीरम, सॉरी विटामिन सी एंड B3 सीरम गुड वाइब्स का, ये सीरम बहुत ज़्यादा अच्छा है पिगमेंटेशन के लिए। अगर आपके फेस पे पिगमेंटेशन है तो आप ये सीरम यूज़ कर सकते हो। और उसके बाद लाइटनिंग का ये काम करता है, आपकी स्किन थोड़ी सी डार्क हो चुकी है सनबर्न से या कुछ भी, तो आप इस सीरम को यूज़ कर सकते हो। लाइटनिंग का काम करता है, ब्राइटनिंग का काम करता है। उसके बाद आपके ये स्किन टेक्सचर को भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर देता है, तो स्किन टेक्सचर बहुत अच्छा हो जाएगा, रफ स्किन निकल जाएगी, ड्राई स्किन नहीं रहेगी और बाकी सारे प्रॉब्लम, जैसे बहुत से लोगों को काले धब्बे होते हैं फेस पे, वो भी इससे हट जाएंगे। विटामिन सी काम ही ऐसा करता है, तो ये विटामिन सी एंड B3 सीरम है, तो ये स्किन ग्लो का भी काम करता है, बहुत ही ग्लो करने लगेगी आपकी स्किन इससे। तो चलिए थोड़े से ड्रॉप ले लेने हैं इसे और बस अप्लाई कर लेना है आपके पूरे फेस पे। तो मैंने थोड़ा सा ड्रॉप ले लिया है, बस ये अप्लाई करने के बाद जल्दी से एब्जॉर्ब भी हो जाता है। आंखों के नीचे भी आप लगा सकते हो काले घेरे के लिए, ये भी यहाँ के जो काले घेरे हैं थोड़े कम हो जाएंगे। उसके लिए अलग से क्रीम वगैरह आती है, तो वो आप यूज़ कर सकते हो, ज़्यादा ही काले घेरे हैं तो। अगर आप मेरी तरह है, थोड़े से हल्के फुल्के हैं आपके, तो उसके लिए आप ये लगा सकते हो। थोड़ा सा इस उंगली से आपको बस सर्कुलर मोशन में मसाज करनी है, सर्कुलर है वो भी कम हो जाएंगे, बस हल्के हाथों से इस तरह से मसाज करनी है आपको और पूरे फेस पे आपको इस तरह से मसाज कर लेनी है। चाहो तो नेक पे भी लगा सकते हो, लाइटनिंग का काम करता है, फेस लाइटनिंग का और ग्लो भी करता है। और उसके बाद इसे एब्जॉर्ब होने दूंगी और उसके बाद मैं यूज करूंगी जो मेरा सनस्क्रीन है ये। आप सनस्क्रीन नहीं भी अप्लाई करो तो भी चलेगा, ये अगर अप्लाई करते तो, और अगर आपको अप्लाई करना है तो कर सकते हो ये वाला। अगर आपको इन सारे प्रोडक्ट को परचेस करना है तो लिंक आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कर लेना। और अगर आपको नहीं पता डिस्क्रिप्शन बॉक्स कहाँ होता है तो मेरे टाइटल पे क्लिक करना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन हो जाएगा और वहां पर आपको इन सारे प्रोडक्ट के लिंक मिल जाएंगे। और अगर आप मेरा कूपन कोड यूज करोगे तो एक्स्ट्रा 10% ऑफ भी मिल जाएगा आपको, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कर लेना। तो गाइज, यहाँ पर भी बन रहा है शेड, तो यहाँ पर वही लोहा लगा रहे हैं वो। और ये जो गैलरी है ना, ये लिविंग रूम के ऊपर की गैलरी है, तो यहाँ पर भी शेड बन रहा है। और यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले हैं तो वो आपको बाद में ही पता चलेगा, शेड लगने के बाद ही आपको बता देंगे हम लोग कि क्या करने वाले हैं। तो बस यहाँ पर शेड चल रहा है, शेड इतना बन गया है, बाद उसके ऊपर वो जो टीन रहता है वो डालेंगे, वो तो आपको देखने के लिए मिल ही जाएगा कि कैसे होगा सब कुछ। गाइज, अभी पूजा हो गई है और अभी मैं जो काम करने के लिए लोग हैं उनके लिए चाय बनाने वाली हूँ, तो चलिए जल्दी से चाय बनाती हूँ। हमारी तो चाय एक बार हो गई है, अभी उनके लिए चाय बनाती हूँ और क्या बोलते हैं, तो हम सबके लिए भी बना लूँगी। तो गुड़ की चाय बनेगी, जैसे कि मैंने आपके साथ कल शेयर किया है गुड़ की चाय मैं कैसे बनाती हूँ। वो रेसिपी अगर आपने नहीं देखी है तो वो रेसिपी देख लीजिए, उससे गुड़ की चाय फटती नहीं है। आजकल मैं चीनी वाली चाय नहीं पी रही हूँ, गुड़ की ही चाय पी रही हूँ, तो थोड़ा सा देख रही हूँ मतलब कुछ बनता है घर में, तो ज़्यादा नहीं खा रही हूँ,
जैसे ज्वारी की रोटी खा रही हूँ, और मतलब ज्वारी वाली नहीं, मिक्स वाली थोड़ी सी, तो वो रोटी खा रही हूँ और बाकी भी चीज़ों को थोड़ा सा देख रही हूँ। तो वही बस चल रहा है मेरा। सुबह वॉक के लिए जाना नहीं हो रहा है अभी, सिर्फ साइकिलिंग कर रही हूँ। कल मैंने सोचा था कि वॉक के लिए जाऊंगी आज सुबह, बट उठना ही नहीं हुआ जल्दी, क्योंकि पैर दर्द इतने ज़्यादा हो रहा है, काम ही बहुत ज़्यादा हो रहा है घर पे, तो इसी वजह से बहुत ज़्यादा पैर दर्द कर रहा है। कल देखूंगी, हुआ तो वॉक के लिए जाऊंगी, मॉर्निंग वॉक के लिए, नहीं हुआ तो अपनी साइकिलिंग ही ठीक है घर पे। अभी बस अभी वही कर रही हूँ। आप लोगों ने बोला था ना कि अदी जो भी करोगी आप शेयर करना, बस वही कर रही हूँ। थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइज भी कर रही हूँ, हाथ पैर हिला दे रही हूँ बस। तो चलिए जल्दी से चाय बनाते हैं, क्योंकि वो वेट कर रहे हैं। इन्होंने मुझे कब से बोला था, मैं रेडी होने गई फिर आपसे बात करने लगी। तो चलो चाय बना लेती हूँ जल्दी से। मूंगफली ना मुझे सुखाने के लिए रखनी है बाहर, क्योंकि ना मतलब धूप में रखनी है थोड़ी सी, ये एक थोड़ी सी मुझे खराब होने जैसी लग रही है मुझे, तो इसी वजह से धूप दे देती हूँ इसे। तो गाइज आज लंच में बना है ये ज्वारी की रोटी और सादी रोटी, उसके बाद तुरई की सब्जी है, उसके बाद दाल तड़का है, जो सिंपल सा तड़का नहीं लगाते हम लोग, जीरा राई का और हरी मिर्च का, वो तड़का लगा के ये दाल बनाई है, और उसके बाद चावल बनाए हैं। तो चावल में थोड़ा सा पानी ज़्यादा हो गया, तो उसे माइंड मत करना। बस यहाँ पर हम लोग लंच कर लेंगे, और लंच के लिए सबसे पहले भून रही हूँ पापड़। पापड़ भूनने के बाद लंच कर लेंगे। और हाँ, किस किस को भूनना पसंद है लंच के साथ, मतलब जब हम लोग खाना ट्राई कर लेते हैं, बट वैसे खाने के पर दोपहर का शाम का टाइम था, और मैंने आपको दिखाया था कि सांप निकला, ठंडा हुआ रहता है, और हमारा एरिया ना वो खुला एरिया है, तो इसी वजह से पेड़ के नीचे उधर मतलब पौधों के नीचे वो, ये नहीं है गमले, गमलों के पीछे वो सांप था। और एक ही नहीं, ये छोटा सा एक ही नहीं, रात को भी एक निकला, उस टाइम मैं शूट नहीं कर पाई, और ये एक तो मतलब कहाँ से आ रहा है, क्या है पता ही नहीं है। और ये ना अभी कामों के बीच में 2-3 दिन हो गए स्प्रे नहीं मार रहे हैं, बहुत ज़्यादा काम काम हो रहा है, तो इसी वजह से, नहीं तो डेली ये बाहर से स्प्रे मार रहे थे। पिछली बार जब निकला था ना, तो उस टाइम से डेली ये स्प्रे मार रहे थे, और अभी ही 2-3 दिन हो गए कामों के बीच में, इतने ज़्यादा काम काम आप भी देख रहे हो कि उसमें बिल्कुल टाइम ही नहीं मिल रहा है। तो ये स्प्रे मारना भूल गए, और देखो एकदम से सडनली छोटे छोटे सांप, और वो भी 2 निकले हैं, ये सुबह एक निकला और एक रात को निकला था। रात को तो एकदम वहाँ पर कहाँ पर एकदम पोर्च में ही था, तो छोटा सा एकदम ऐसे ही सेम टू सेम ऐसा ही था छोटा सा, ये आ ही नहीं रहा था जल्दी से प्लेट में, तो ये कब से कोशिश कर रहे थे लेने की बट आ ही नहीं रहा था, अभी फाइनली आ गया प्लेट में। अभी ये फेंक देंगे, क्योंकि हम लोग नहीं मारते हैं सांप को, तो इसी वजह से ये फेंक देंगे उधर, क्योंकि इतने सारे सांप है यहाँ पर एरिया में, और कहाँ है मतलब एक सांप को मारने से कोई फ़ायदा नहीं है, और वो भी इतना सा छोटा सा बच्चा है बेचारा, तो इसकी वजह से ये नहीं मारते हैं और वहाँ पर फेंक देंगे। तो यहाँ पर आ गई हूँ मैं घर के अंदर, और झाड़ू वगैरह मार लूँगी एक बार, क्योंकि बहुत ज़्यादा डस्ट हो जाती है, ये बाहर भी काम चल रहा है ना इसी वजह से, और मैंने जैसे कि आपको दिखाया कि मेरे घर के साइड में भी काम चल रहा है, उसकी वजह से इतनी बारीक धूल आती है ना हमारे घर पर, हम तो परेशान हो गए हैं, हम हमारे घर का भी काम और वो भी काम, उसकी वजह से इतने ज़्यादा परेशान हो गए हैं, बहुत ज़्यादा डस्ट बैठ रही है कोई भी चीज़ पर, कितना ज़्यादा क्लीन करें यार, कितना ज़्यादा थक जाते हो क्लीन कर करके, आप देखो इतनी बारीक डस्ट निकलती है ना घर से, और फिर भी इतनी बार झाड़ू मारती हूँ, इतनी बार पोछा मारती हूँ, दिन में 3-4 बार तो हो ही जाता है झाड़ू मारना और पोछा मारना। अभी काम चल रहा है तो 2 बार हो रहा है, वरना वैसे 3-4 बार मतलब घर के अंदर काम चल रहा था, इसी वजह से 2 बार हो रहा था।
नहीं तो 3-4 बार हो ही जाता है। और यहाँ पर बस शाम का दिया बत्ती लगाने का टाइम हो गया है, बस दिया बत्ती लगा लूँगी और उसके बाद मुझे बनाना है खाना, मतलब डिनर बनाना है। और 4 लोगों के लिए, मतलब और 2 एक्स्ट्रा आने वाला है तो उनके लिए भी बनाना है। यहाँ पर दिया बत्ती कर लेती हूँ अपनी, उसके बाद मिलती हूँ आपसे। मशीन में बेडशीट डाल दिए वॉश करने के लिए, अद्विक ने ना इस पर दूध गिरा दिया था, इसी वजह से ये वॉश करने डालनी पड़ी। तो चलिए इसे वॉश कर लेती हूँ पहले। मैंने बेडशीट धोने के लिए डाल दी है, ये गया है चिकन लाने। तो आज बनने वाला है डिनर में चिकन, मतलब नॉनवेज बनने वाला है। और जिनको पसंद है वो रेसिपी देख लीजिए, क्योंकि बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट की है यार चिकन की रेसिपी शेयर करने के लिए। मैंने इतने बार शेयर की है बट डिटेल में शेयर करने के लिए रिक्वेस्ट की है, तो आज उनकी रिक्वेस्ट पूरी करनी ही पड़ेगी। और जो नॉन वेजिटेरियन है वो देख सकते हैं, जो वेजिटेरियन है वो स्किप कर सकते हैं, यार क्या कर सकती हूँ, सबकी डिमांड पूरी करनी पड़ती है। चलिए गाइस तैयारी करती हूँ मैं चिकन बनाने की, मसाला तैयार करती हूँ और उसके बाद आपको बताती हूँ कि क्या क्या चाहिए मसाले के लिए। चिकन का मसाला बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिए है नारियल के, सूखे नारियल के टुकड़े, और उसे फ्राई कर लिया है, मतलब अच्छे से भून लिया है। थोड़ा सा ऑयल डाल के भी आप कर सकते हो, थोड़ा ज़्यादा भी ऑयल डाल सकते हो, उसमें फ्राई भी कर सकते हो, तो यहाँ पर मैंने वैसे किया है। और उसी तेल में मैंने प्याज और थोड़ा सा तेज पत्ता डाल दिया है और उसे भी अच्छे से फ्राई कर लूँगी, ऐसे ही गोल्डन ब्राउन होने तक, मतलब अच्छे से फ्राई कर लेना है। और जो हमने सूखा नारियल और प्याज भून के रखा है उसे एक साथ पीस लेना है, अच्छे से बारीक पेस्ट करना है उसका। और उसके बाद यहाँ पर मैं रख रही हूँ चिकन बॉईल करने के लिए, तो चिकन धो लिया है अच्छे से 3-4 पानी से। और उसके अंदर ऐड करना है हमें थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा ऑयल, बस ये 3 चीज़ें ऐड करनी है, अच्छे से मिक्स कर लेना है और उस पर ढक्कन रख के पका लेना है, मतलब स्टीम होने के लिए रख देना है उसे। और ये ना आपको कुकर में नहीं करना है, कढ़ाई में ही करना है, ताकि इसका टेस्ट बना रहे, बहुत ही अच्छा और टेस्टी लगेगा आप इस तरह से अगर चिकन बनाओगे तो। इस तरह से अगर नहीं बनाते हो तो इस तरह से बना के देखना, ज़रूर ट्राई करना एक बार रेसिपी। बस इस तरह से मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी सारी चीज़ों को और उस पर थोड़ी देर ढक्कन रख के पका लूँगी। जब हमारा चिकन बॉईल नहीं हो जाता तब तक हमें बॉईल कर लेना है, उस पर ढक्कन रख देना है। फ्लेम आपको लो टू मीडियम ही रखना है और चिकन बॉईल होने देना है। जब तक चिकन बॉईल नहीं होता तब तक मैं मसाला बनाने के लिए तैयारी करूँगी, मतलब मसाला बन जाएगा तब तक भुन जाएगा और उसके बाद हमारा चिकन जल्दी रेडी हो जाएगा। मैंने डाल दिया है तेल में अदरक लहसुन का पेस्ट, ये अच्छे से भुन जाए, मतलब इसकी कच्ची स्मेल चली जाए। उसके बाद मैं ऐड करूँगी जो हमने पेस्ट बना के रखा था प्याज और नारियल का, वो पेस्ट मैं इसमें ऐड करूँगी और इसे अच्छे से भून लेना है आपको। जब तक मसाला तेल नहीं छोड़ता तब तक आपको अच्छे से भूनना है इसे। और यहाँ पर देखो मैंने मसाला भून लिया है और यहाँ पर मसाला तेल छोड़ने भी लगा है। एक बार चेक कर रही हूँ चिकन बॉईल हुआ है या नहीं, उसके बाद मैं यहाँ पर मसाला अच्छे से भून लूँगी। और उसके बाद मैं ऐड करूँगी टोमेटो का पेस्ट, यहाँ पर मैंने टोमेटो का पेस्ट बना लिया था, 2 टोमेटो का पेस्ट है ये, और अच्छे से मिक्स कर लेना है इसे भी। और इसे भी ऑयल छोड़ने तक अच्छे से भून लेना है उसी मसाले के साथ। पहले वो मसाला इसीलिए भुना उसकी कच्ची टेस्ट ना आए, कच्चा ना आ रहा है वो मसाला, पहले वो मसाला भून लिया, उसके बाद टोमेटो का पेस्ट ऐड किया, वो भून लिया अच्छे से। और आप देख सकते हो यहाँ पर तेल छोड़ने लगा है। और उसके बाद मैंने ऐड किया है उसमें कलर आने के लिए कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, और इससे कलर बहुत ही अच्छा आता है और खाने में मज़ा आ जाता है, तो यहाँ पर वो ऐड किया है और अच्छे से मिक्स कर लिया है। और थोड़ी देर और भून लूँगी ताकि हमारा जो मसाला है अच्छे से तेल छोड़ने लगे। यहाँ पर देखो भून चुका है मसाला। उसके बाद मैं गरम मसाला ऐड कर रही हूँ, उसमें 1/2 चम्मच गरम मसाला ऐड किया है। उसके बाद 1 चम्मच मैंने धनिया पाउडर ऐड की है और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेना है और भूनते जाना है। उसके बाद मैं ऐड करूँगी उसमें लाल मिर्च पाउडर और थोड़ी सी हल्दी। लाल मिर्च पाउडर जो है वो आपको अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालनी है, किसी को तीखा पसंद है, किसी को फीका पसंद है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको डालना है। और यहाँ पर मैं मसाला यूज़ कर रही हूँ एवरेस्ट का चिकन मसाला, तो ये मैं यूज़ कर लूँगी 2 बड़े चम्मच इसमें, जितना मैं क्वांटिटी में चिकन बना रही हूँ 1 kg में 2 बड़े चम्मच मैं यूज़ करूँगी इसमें।
सारे मसाले ऐड हो जाने के बाद अच्छे से दोबारा से भून लेना है आपको, ताकि वो मसाले कच्चे ना रहे। और अभी ये यहाँ पर चिकन बॉईल हो चुका है, तो ये मसाला मैं ऐड करूँगी चिकन में, क्योंकि बड़ी कढ़ाई चाहिए, इसमें तो वो चिकन ऐड नहीं कर पाती, तो इसी वजह से मैं ये वाली कढ़ाई में वो मसाला ही ऐड कर दूँगी। और ना जब आप वो उसमें नमक और क्या बोलते हैं ऑयल और थोड़ा सा हल्दी डालते हो ना, तो थोड़ा सा पानी छोड़ने लगता है। बिल्कुल पानी ऐड नहीं करना है उसमें, जब आप बॉईल करने डालते हो तो बिल्कुल भी पानी ऐड नहीं करना है, अपने आप उसे पानी छूटने लगेगा। और उसी पानी में आपको ये मसाला डाल के अच्छे से भून लेना है, मतलब चिकन के साथ ये मसाला आपको अच्छे से पकने देना है, ताकि उसकी पूरी टेस्ट उस चिकन में आ जाए और बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगा इस तरह से अगर आप चिकन मसाला बनाओगे तो। और यहाँ पर मैंने थोड़ा सा गर्म पानी ऐड कर दिया है, हल्का सा थोड़ा सा गर्म पानी ऐड कर दिया है, और बस इसे अच्छे से चला लूँगी और इसे ऐसे ही पकने दूँगी थोड़ी देर के लिए। मतलब ये चिकन मसाला बहुत ही टेस्टी लगेगा। अभी देखो मैंने थोड़ी देर स्टीम आने दी और कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ऐसे भी आप खा सकते हो, ऐसे आपको अगर पसंद है तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगा। ऊपर से मैंने थोड़ा सा नमक ऐड कर दिया है, हमने चिकन में भी नमक ऐड किया रहा था, वो ध्यान में रखना, उसके अकॉर्डिंग ही थोड़ा नमक ऐड करना बाद में। ये हमारा चिकन मसाला रेडी है, ड्राई चिकन मसाला, इस तरह से आप खा सकते हो। और अगर आपको ग्रेवी चाहिए तो इसी में आप थोड़ा सा बॉयल पानी ऐड कर दो और आपकी ग्रेवी रेडी हो जाएगी। तो आपको थोड़ी थोड़ा सा बॉयल पानी ऐड कर देना है इसमें, और जितनी आपको कंसिस्टेंसी जैसी चाहिए वैसे आप ऐड कर सकते हो। मतलब जिसको पतला चाहिए वो पतला रखे और जिसको थोड़ा सा गाढ़ा चाहिए वो गाढ़ा रखे, बस इसी तरह से आपको पानी ऐड कर देना है और इसे बिना ढक्कन रखे ही पका लेना है थोड़ी देर के लिए। बस आपको ज़्यादा नहीं पकाना है, अब आपको सिर्फ 3-4 मिनट के लिए पका लेना है और बन जाएगा आपका चिकन ग्रेवी मसाला। और आप देख सकते हो कलर कितना ज़्यादा अच्छा आया है, और देखने से ही लग रहा है कि कितना ज़्यादा टेस्टी बना होगा। चिकन बन रहा है यहाँ पे, एक्चुअली जो लोहा लगाया था ना बाहर, उस लोहे को पेंट चल रहा है, तो वो भी है हमारे साथ खाने के लिए, तो इसी वजह से ज़्यादा क्वांटिटी में बनाया है। नहीं तो हम दोनों होते तो हाफ क्वांटिटी में ही बनता, और दो है तो चलिए खाना खा लेते हैं और उसके बाद मिलती हूँ आपसे, क्योंकि अभी चिकन थोड़ा सा ही बॉयल होने देना है और उसके बाद उसे बंद करना है, फिर खाना खाएंगे हम। तो चलिए, देखो स्वेटिंग, ऑयली फेस हो गया है बहुत ज़्यादा, तो चलिए बाहर जाती हूँ थोड़ी देर, ठंडी हवा खाती हूँ और उसके बाद आपको दिखा भी देती हूँ क्या चल रहा है। तो यहाँ पर देखो हमारा रेडी हो गया है चिकन ग्रेवी मसाला, और बस उसमें थोड़ा सा धनिया पत्ता ऐड कर देना है ऊपर से। तो गाइस खाना हो गया है और मैं कर रही हूँ अपना स्किन केयर अब, तो चलिए उससे पहले इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ अच्छे से नए ब्लॉग में आपसे। आई होप आपको ये छोटा सा ब्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो लाइक करना मत भूलिएगा, लाइक ज़रूर कर देना, शेयर भी कर देना, और सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो सब्सक्राइब भी कर देना। उसके बाजू में जो बेल आइकन आएगा उसको क्लिक करना मत भूलिएगा, उसे ऑल पे क्लिक करना, ताकि मेरे सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको ही सबसे पहले मिले और उसे आप सबसे पहले देख पाओ। और इसके अलावा मेरे दो और चैनल है, आप चाहो तो मुझे वहाँ पर भी सब्सक्राइब कर सकते हो। दोनों चैनल का लिंक और इंस्टा का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, इंस्टा पे एक बार ज़रूर चेक कर लेना, मतलब आपको बहुत ही अच्छे अच्छे रील्स और फोटोज़ देखने के लिए मिल जाएंगे वहाँ पर, आप वहाँ पर भी मुझे फॉलो कर सकते हो। चलिए फिर, बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल। Bye.